Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और मूवी है दबंग 3। देखिए, मैंने आपको कल ही कह दिया था कि जो दबंग 3 का जो कलेक्शन है संडे का दिन वो इंक्रीज होने वाला है, लेकिन आपने देखा होगा कि काफ़ी सोशल मीडिया अकाउंट्स में आपको सुनने को मिला होगा नहीं सलमान खान का स्टारडम गया, सलमान खान अब बॉक्स ऑफिस में वो कमाल नहीं कर सकते। अरे भाई, तुम लोग सलमान खान की मूवीज़ में लॉजिक ढूंढते हो, मुझे तो तुम्हारी बातों में लॉजिक नहीं लगता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी लॉजिक वाली बातें नहीं है। देखिए, माना कि फर्स्ट डे में सेकंड डे में, क्योंकि पूरा आप कह सकते हैं हिंदुस्तान बंद ही था, बड़े बड़े शहर तो आप कह सकते हैं बिल्कुल बंद थे, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। वो तो सलमान खान के फैंस थे जो कि घर से बाहर निकले, उन्होंने मूवी देखी, तभी वो इतना बड़ा कलेक्शन पहले दिन में और दूसरे दिन में हो पाया। अगर कोई एक्टर सलमान खान की जगह और होता तो गारंटी है ये कलेक्शन 10 करोड़ से ऊपर नहीं होता, लेकिन सलमान खान थे तो मूवी ने पहले दिन में 24 करोड़, या आप कह सकते हैं सेकंड डे में 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और बात रही कलेक्शन की, तो थर्ड डे में तो कलेक्शन इंक्रीज होना ही था, जो कि सलमान खान ने करके दिखाया। जी हाँ दोस्तों, एक और बार फिर दबंग खान जो है अपने ओरिजिनल कलेक्शन के साथ सामने आ चुके हैं। पहले दिन में आपने देखा था कि मूवी ने 24 करोड़ 40 लाख के आसपास कलेक्शन किया था, तो लोग बोलने लग गए थे कि सलमान खान का अब स्टारडम नहीं रहा। लेकिन सेकंड डे में फिर जब बहुत बड़ी इंक्रीज या ग्रोथ देखने को नहीं मिला, तो फिर तो लोगों ने हल्ला मचा दिया था ट्विटर पर, तो लोग हंस हंस कर ट्वीट कर रहे थे। लेकिन तीसरे दिन जैसे ही मूवी ने कलेक्शन किया, सभी की बोलती बंद हो चुकी है। तीसरे दिन मूवी ने मेरी भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बढ़कर कलेक्शन किया है। मैंने आपको कल जो बताया था वो मेरा कलेक्शन था लगभग 26 से 28 करोड़ की मूवी इसके बीच कलेक्शन डेफिनेटली करेगी, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को भी इस मूवी ने क्रॉस कर दिया है, और मूवी का जो ऑफिशियल कलेक्शन आया है वो एक ब्लॉकबस्टर कलेक्शन है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए, अब आपको सीधे कलेक्शन की तरफ ले चलता हूँ, फुल डिटेल बता देता हूँ। मूवी को 20 दिसंबर को रिलीज़ किया गया था। दबंग 3 सलमान खान की बहुत पॉपुलर सीरीज़ है, और 105 करोड़ का इसमें का बजट है, और 5000 स्क्रीन्स पर मूवी को रिलीज़ किया गया था। मूवी ने अपने थर्ड डे में यानी कि संडे के दिन 31 करोड़ 90 लाख का कलेक्शन किया है, और अगर आप कहें तो ये लगभग 32 करोड़ का कलेक्शन है। और अगर टोटल कलेक्शन की बात करूं तो 81 करोड़ 15 लाख का नेट ऑल ओवर इंडिया से कलेक्शन हो चुका है। अब ये जो कलेक्शन है ये नेट कलेक्शन है, अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो मूवी ने ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है 124 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन, और एक ब्लॉकबस्टर कलेक्शन भी है। इस मूवी को हिंदी, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में रिलीज़ किया गया था। सबसे ज़्यादा कलेक्शन जो देखने को मिला वो है हिंदी से, फिर कन्नड़ से, फिर तेलुगु से और फिर तमिल से। अब बता दूं आपको कि फोर्थ डे में यानी आज के दिन मूवी का कलेक्शन कितना हो सकता है। आज है मंडे और आज कोई छुट्टी नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, लेकिन आपको पता है कि सलमान खान के फैंस जो है वो इस मूवी को देखेंगे और सपोर्ट आज के दिन भी करेंगे, तो डबल डिजिट्स में इसका कलेक्शन होने वाला है। मुझे पता है काफ़ी लोग आएंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये 10 करोड़ से नीचे रहेगी, 8 करोड़, 9 करोड़, लेकिन मुझे जितना लगता है वो ये है कि मूवी इजीली 11 से 12 करोड़ के आसपास आज के दिन कलेक्शन कर जाएगी। टोटल कलेक्शन हो जाएगा 93 करोड़ 51 लाख के आसपास, और वर्ल्ड वाइड में अराउंड 143 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। अब देखिए, आपको पता ही होगा कि सलमान खान का जो स्टारडम है वो बहुत ज़्यादा है। अभी तक अगर आप देखें तो इंडिया में सबसे बड़ा स्टारडम जो किसी के पास है वो है सलमान खान, और इनकी मूवीज़ जो है वो पहले दिन से ही बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन इस बार इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि देश में बड़े बड़े शहर जो थे वो ज़्यादातर बंद ही थे, चाहे वो बेंगलुरु ले लें, हैदराबाद ले लें, मुंबई ले लें, कोलकाता ले लें, या फिर दिल्ली ले लें। दिल्ली में तो बहुत बड़े हंगामे हुए हैं, तो जहाँ पर मेजर सलमान खान की मूवीज़ कलेक्शन करती है वो तो सारे एरियाज़ बंद ही थे, लेकिन फिर भी क्योंकि सलमान खान के फैंस ने रिस्क लिया और वो थिएटर में देखने के लिए गए तो मूवी ने इतना कलेक्शन किया था। लेकिन फिर आपको पता होगा जो हेटर्स होते हैं वो अपने व्यूज़ काउंट लेने के लिए, अपने जल्दी जल्दी ट्रेंडिंग पे आने के लिए वीडियोज़ बना देते हैं, वो नेगेटिव रिव्यूज़ शेयर करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव कलेक्शन बताना शुरू कर देते हैं, और मूवी की या मूवी में जो स्टार है उसकी बुराई करना भी शुरू कर देते हैं ताकि उनको जल्दी जल्दी से व्यूज़ मिले और वो एक मीम्स बने या फिर ट्रेंडिंग में आ जाए, तो उसी तरह से हुआ। लेकिन जिस तरह से मूवी ने संडे में कलेक्शन किया है वो काबिल-ए-तारीफ़ है, और सभी
उन हेटर्स के मुंह बंद हो चुके हैं जो कि कल तक कह रहे थे कि ये मूवी फ्लॉप होने वाली है। जी नहीं, मंडे तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मूवी, जैसा मैंने कहा, 93 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी और मंगलवार तक ये मूवी इजीली कहीं ना कहीं 100 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगी। अब 150 करोड़ तो मूवी का श्योर है कि मूवी 150 करोड़ तक तो जाएगी ही जाएगी, और हो सकता है 200 करोड़ तक भी जाए, क्योंकि अभी भी पूरा देश में जो है क्लियरिटी नहीं है कि लोग जो है घर से बाहर निकले या नहीं निकले। तो जब उन लोगों में क्लियरिटी आएगी कि कब सही टाइम है जब वो घर से निकले, मूवी देखें या फिर और काम करें, तो ऑब्वियसली इंक्रीज कलेक्शन में देखने को मिलेगा। संडे में इसलिए कलेक्शन में इंक्रीज़ देखने को मिला क्योंकि बहुत बड़ी छुट्टी थी और कहीं ना कहीं लोग मॉर्निंग से ही टाइम देख के कि कब वो घर से बाहर निकले, सुरक्षित रहें, तो कब कब उनके घर से बाहर निकलना है वो टाइमिंग बना के वो निकले थे, तो उसी वजह से संडे में बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है। और अगर बात करूँ मंडे की, तो आज के दिन भी काफ़ी जगहों में प्रोटेस्ट है तो लोग आज भी उतना बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन धीरे धीरे करते करते ये मूवी जो है अपने एक हिट मार्क तक इजीली पहुंच जाएगी। तो आपको क्या कहना है कलेक्शन के बारे में, सुपरस्टार सलमान खान के स्टारडम के बारे में, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।